गार्डन तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा घर देखा है जिस एक घर के अंदर ही 7 से ज्यादा गार्डन है? यकीन नहीं हो रहा ना, हो जाएगा जब आप ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि इस घर की शुरुआत ही मोगरा की खुशबू के साथ होती है, मधुमालती के फूलों की शानदार जो खूबसूरती है उसके साथ होती है। तो आप सोचिए कि घर के अंदर कितने सुंदर, कितने अच्छे तरीके से गार्डन्स को तैयार किया गया है। यकीन मानिए, ये पूरा घर गार्डन में तब्दील हो चुका है, और इसको गार्डन में तब्दील किया है आलिया वसीम जी ने। आलिया वसीम जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती है, खास बात है कि वो आज हमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाली है जिसके जरिए हम अपने गार्डन को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, अपने प्लांट्स को कैसे गर्मी में, बारिश में, हर मौसम में बहुत अच्छे से सर्वाइव करा सकते हैं, कैसे हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग को बहुत और इजी कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए मिलते हैं आलिया वसीम जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले, यदि अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं चाहूंगी कि वीडियो हम शुरू करें उससे पहले कि आप हमें अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम आलिया वसीम है और मैं मीडिया विलेज ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। ठीक है मैम, ये इंट्रोडक्शन तो आपने बहुत छोटा सा दे दिया, लेकिन जो गार्डनिंग की जो कला है ना, उसको हम छोटे में नहीं लेने वाले, क्योंकि घर की जो शुरुआत होती है वो इतना शानदार तरीके से हो रही है। यहाँ पर हमें फ्लावर्स दिखने वाले हैं, तो क्या ऐसी चीज है जो आपको गार्डनिंग में बढ़ाती है आगे? कितने सालों से आप गार्डनिंग कर रहे हैं? मैं गार्डनिंग लगभग 7-8 साल से कर रही हूँ। ठीक है, और प्लांट्स 8-10 प्लांट्स के साथ स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे शौक बढ़ता गया तो हम प्लांट बढ़ाते रहे। और अगर मैं पूछूं कि कितने प्लांट्स हैं आपके पास? अभी तो कोई आइडिया नहीं है, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, वैसे बढ़ते जाते हैं, हम इंक्रीज करते जाते हैं, प्रोपगेशन करते हैं। बहुत से प्लांट्स ऐसे कि कुछ शिफ्ट भी कर दिए हैं हम अपने फैक्ट्रीज में, थोड़ा ग्रीनरी वहाँ भी बढ़ा रहे हैं हम, तो यहाँ से हटा भी दिया। स्पेस के, असल में स्पेस की भी कमी है, 6-7 हिस्सा है गार्डनिंग का, लेकिन फिर भी मतलब स्पेस की कमी है अभी भी। अभी भी आपको कमी लग रही है? मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली NCR में किसी के पास इतने प्लांट्स नहीं होंगे जितने प्लांट्स आपके पास हैं। इवन घर के अंदर ही 7 पोर्शन में आपने गार्डन तैयार कर रखा है, गजब है ये। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आपकी ये शुरुआत है गार्डनिंग की घर के बाहर से, आपने कौन कौन से प्लांट यहाँ पर लगा रखे हैं? यहाँ पे मैंने मोगरा लगा रखा है, हाइबिस्कस है, मधुमालती है और कड़ी पत्ता लगा रखा है, और यहाँ जैस्मिन जो है वो डबल वाला अरेबियन जैस्मिन भी है, जो मल्टी पेटल वाला भी है। ओके, और एक प्लांट ये भी है जो इसको बट मोगरा कहते हैं, तो इसमें बहुत सारे मल्टी पेटल, बहुत सारे पेटल्स आते हैं इस प्लांट में। बहुत सुंदर। मोगरा को लेकर बात हुई है, तो मोगरा आजकल मैम गार्डनिंग वालों को सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसकी खूबसूरती, उसके साथ ही इसकी खुशबू। तो मैं ज़रूर दर्शकों को बताने वाली हूँ कि जैसे ही अब हम ये पूरा वीडियो शूट करेंगे मैम का, देखेंगे कि गार्डन कितना खूबसूरत है, इसके साथ ही मैम हम आपसे ज़रूर जानकारी लेने वाले हैं मोगरा के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। और जैसा कि मैंने इसके फोटोज़ भी देखे हैं, और इस टाइम भी इस पर बहुत अच्छे खासे फ्लावर्स आ रहे हैं। तो अब हम आगे का कंटिन्यू करते हुए अंदर के पोर्शंस देख लेते हैं कि कहां कहां पर आपने अपना गार्डन तैयार किया है। कहते हैं ना, गार्डन की शुरुआत एक शानदार तरीके से होनी चाहिए। आपके घर की शुरुआत जैसे ही हम एंट्री करते हैं ना अंदर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स को प्लेस बहुत अच्छे से किया है। तो ये कौन सा पोर्शन, हम किस तरीके से मैम आपने इसको मैनेज किया है, प्लीज हमें बताइए। ये एंट्रेंस पे ऐसे सब प्लांट्स को हडल करके रखा है साथ में। हाँ। तो इस तरह से हर तरह के प्लांट्स हैं, फॉलिएज प्लांट्स हैं इसमें, तो इसमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट कम होती है। अब मेरा जैसे ये वेस्ट फेसिंग है तो यहाँ शाम की धूप आ जाती है, तो प्लांट्स के लिए इतना मतलब सनलाइट इतना बहुत इनफ हो जाता है। ठीक है, ठीक है। एक चीज है जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ मैम, कि गार्डनिंग सब लोग करते हैं, प्लांट्स सब अपने घरों में लगाते हैं, बहुत यूनिक यूनिक प्लांट्स भी ले आते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसा नहीं दिखा कि बहुत ही अलग प्लांट कोई है, सब वही नॉर्मल प्लांट्स हैं, लेकिन ये इतना सुंदर लगने का क्या कारण होता है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को ज़रूर फॉलो करनी चाहिए? थोड़ा सा है अपना इमेजिनेशन भी आदमी यूज़ करता है कि थोड़ा सा प्लांट्स को प्लेसिंग कैसे करना है अच्छा से, दिमाग थोड़ा सा मतलब देखने में अच्छा भी लगे। और वैसे नेचुरली वैसे तो सब लोग लाइन से स्टैंड पे लगा देते हैं, प्लांट्स थोड़ा सा हडल करें, थोड़ा सा गर्मी में भी मतलब प्लांट्स एंजॉय करते हैं साथ में रहने, खराब कम होता है प्लांट्स एक दूसरे के पास जब रखते हैं। एक चीज़ है जैसे हम यहाँ मनी प्लांट को देख रहे हैं, तो एक जो रॉ बनाई है आपने, आपने एक पोर्शन को डिवाइड भी कर दिया 2 हिस्सों में ना जी, हम उस तरीके से वॉक भी कर सकते हैं, वो शेड बना है। बारिश का पानी, जैसे गर्मी बहुत हो गई थी तो प्लांट्स थोड़ा सफर किए थे कि प्लांट्स येलोइंग हो गई थी मनी प्लांट्स में, तो मैंने थोड़ा सा रख दिया है कि बारिश का पानी थोड़ा सा पड़ेगा इसमें तो एकदम NPK रहेगा, तो और अच्छा प्लांट्स एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त,
तो एक लाइन से लगा दिया है, देखने में भी कि अच्छा लग रहा है और प्लांट्स इम्प्रूव भी हो गए, लीव्स एकदम ग्रीन टर्न हो गए। तो दोस्तों गार्डन के हिस्से देखते देखते अब हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत सा एक बालकनी का एक हिस्सा है, बहुत ही सुंदर इसको डेकोर किया गया है और इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो हम यहाँ देख रहे हैं। और आलिया जी अब हमें बताएंगे कि उन्होंने यहाँ किस तरीके के प्लांट्स रखे हुए हैं। यहाँ थोड़ा से कम सनलाइट रिक्वायरमेंट वाले प्लांट्स हैं, कुछ वैसे कैक्टस हैं, अलग अलग वैरायटी का कुछ सिंगोनियम है, इस तरह के प्लांट्स यहाँ सर्वाइव करते हैं। यहाँ शाम की सनसेट से पहले 2-3 घंटे की लाइट आती है और इतना इसके लिए एकदम सूटेबल है इतना टेम्परेचर। तो इसको तो ऐसे भी कुछ बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं कि इनको मल्टीप्लाई भी किया है मैंने, ठीक है। ये बहुत खूबसूरत भी लगते हैं, कम मेंटेनेंस, कम वाटरिंग, तो कोई परेशानी नहीं, कोई भी मतलब आराम से मतलब इसको ग्रो कर सकता है। एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे आलिया जी कि हर एक प्लांट बड़े खूबसूरती के साथ यहाँ पर एक ग्रो कर रहा है, ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा जिसने स्टडी किया हो, बहुत अच्छा एक्सपर्ट हो, वो इन्हें सहेजने का काम कर रहा है। तो ऐसा क्या करती हैं आप, आपने पीछे क्या इनको लेकर कुछ पढ़ाई की थी जिसकी वजह से आप ये सब कर पा रही हैं? इसमें सॉइल मिक्स इम्पॉर्टेंट होता है, तो सॉइल मिक्स एकदम सही होना चाहिए, नहीं तो प्लांट्स का मरने का डर रहता है। तो इसको मैंने सेरेमिक पॉट्स में किया जो ब्यूटीफुल भी लगे इसमें, क्योंकि इसमें हम किसी और प्लांटर्स में नहीं अपने अच्छे लगेंगे। और ये जो है ये मेरा पुराना डाइनिंग टेबल है ये, तो इसको मैंने यूज़ किया है, इसको इस पर ग्रास, आर्टिफिशियल ग्रास स्टिक कर दिया है और इसको यूज़ किया है प्लांट्स को डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ ये भी टेबल था, ये भी डाइनिंग में, डाइनिंग रूम में टेबल था, इसको भी यूज़ कर लिया, हम हटाना था लेकिन फिर हमने सोचा कि कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा। कोई भी प्लांट खरीदने से पहले सबसे चीज़ जो ज़रूरी है वो है उसके बारे में स्टडी करना। अब कोई भी प्लांट्स, जैसे हम एमेचर गार्डनर हैं, हमें कुछ नहीं पता प्लांट्स के बारे में, तो सबसे पहली चीज़ ये अच्छा होगा, मैं तो कहूँगी कि पहले उसके बारे में स्टडी कर लें अच्छे तरह से, कि कौन से इस प्लांट के क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितनी सनलाइट रिक्वायरमेंट्स, वाटरिंग और क्या फर्टिलाइज़र देना है, क्या स्प्रे करना है, तो जान के लिए तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। कोई महंगे प्लांट्स लेने से वेस्ट हो जाते हैं पैसे, तो स्टार्ट विद स्मॉल प्लांट्स और एकदम सस्ते प्लांट्स से स्टार्ट करिएगा। जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि रेम्बो आपने बना दिया है यहाँ पर, नारियल के जो आप शेल्स से आपने वो ले लिए और बहुत ही अच्छे से यूज़ किया है आपने। हमेशा मैं सोचती रहती थी कि मतलब कुछ यूज़ हो सकता है गार्डनिंग में, तो जैसे नारियल वगैरह, जैसे कोकोनट वाटर पीते हैं हम, तो उसको क्या करते हैं, उसको ला के मैंने उसको खूब अच्छे से सुखा दिया, बहुत लगभग दो महीने अच्छी धूप में। उसमें अगर थोड़ा सा रॉ रह जाता है तो फंगस वगैरह लगने का डर रहता है। फिर इसके अंदर मैंने कोकोपीट और थोड़ा सा सॉइल कंपोस्ट वगैरह मिक्स किया है और इसमें यही लगा दिया है प्लांट छोटे छोटे। तो एक चीज़ है कि मैंने ये बहुत देखा है, बहुत गार्डनर्स ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके जितना अच्छे से आपका ये स्नेक प्लांट ग्रो कर रहा है वो उतना अच्छे से नहीं करता है। तो क्या आपने किस तरीके का सॉइल मिक्स इसके अंदर रखा है जो ये इतना अच्छा ग्रो कर रहा है? इसमें मैंने थोड़ा सा कोकोपीट लिया है और वर्मी कंपोस्ट लिया है और बहुत थोड़ा सा गार्डन सॉइल लिया है, इसको अंदर डाल दिया। अब देखिए, देखेंगे तो एकदम फिल्ड है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, अब कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला जा सकता, अब इसमें खाली लिक्विड फर्टिलाइजर देती हूँ उसको। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी प्लांट का जो सूख कर गिर गई होगी टहनी, वो आप लेकर आइए कहीं से, ऐसा ही हुआ ऐसा जी ऐसे है, टूटा हुआ लाए हैं, फिर उसको पेंट किया, सुखाया अच्छे से। हाँ, जब सूख गया है अच्छी तरह से तो फिर इस पर पेंट कर दिया है और इस पर थोड़ा सा वायर्स भी ऐसे, वो लाइट ऐसे वायर्स भी रैप कर दिए हैं, रात को जलाने में बहुत अच्छी लाइट है, बालकनी बहुत अच्छी व्यू आती है। इसमें थोड़े से बेल्स भी लगा दिए हैं, खुर्जा के हैं ये बेल्स, तो वहाँ से लेके आती हूँ, छोटे गमले भी प्लांट्स के लिए, छोटे वाले गमले और ये सब बेल्स वगैरह डेकोरेशन के, बहुत अच्छे सामान मिल जाते हैं खुर्जा से। यहाँ पे दिख रहा है कि वो दूसरे प्लांट जिस तरीके से जो वैल्यू मिली हुई है, यहाँ सूखी टहनी को भी उतना बहुत ही सुंदर बना रहा है ये। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत छोटी सी बालकनी है मैम, और लेकिन बहुत ही सुंदर है, और सबसे सुंदर मैं यहाँ पर ये प्लांट देख रही हूँ। किसी पार्क में मैंने ज़रूर इस तरीके से जो हैज बना देते हैं वो बनाता हुआ देखा, लेकिन किसी घर में नहीं देखा। ये कौन सा प्लांट है और कैसे तैयार हुआ है? ये माइक्रोफाइला है ये, और इसको लोहे का एक जाल ऐसे लगा है इसमें, इसी प्लांट को एकदम, ये तो स्ट्रेट ग्रो होने वाला है, हम इसको डिज़ायर्ड शेप दे सकते हैं। और इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं माइक्रोफाइला में, बहुत खूबसूरत हैं। तो ये इस तरह से आगे से घर का फ्रंट लुक देने के लिए कुछ इस तरह का लगाया कि देखने में भी अच्छा लगे फ्रंट व्यू घर का।
ये जेड का एक पीकॉक के शेप दिया गया है इसको, और इसमें कोई वो वायर्स वगैरह नहीं यूज़ किया है, बस टाई वायर्स से यूज़ करके उसको बांधा गया और शेप दिया है। ये लगभग 6-7 साल का पुराना प्लांट है, और धीरे धीरे इसको ट्रिमिंग करते रहें, कट करते रहें तो शेप आ जाता है। तो उसको अभी काम चल रहा है, इसमें अभी फाइनली शेप देंगे इसको। और बायो एंजाइम से ये सब आप खुद से तैयार करती हैं? जी, खुद घर पे तैयार करती हूँ। नींबू के छिलके, ऑरेंज के, और जितने भी सिट्रस होते हैं उनको छोटा कर लिया, इसमें किसी एयर टाइट डिब्बे में बंद कर दिया और उसमें थोड़ा सा जैगरी ऐड कर लिया, पानी, तीन चीज बस जरूरत होती है, और इसको फर्मेंट करते हैं। ये ठीक है, ये तैयार हो जाता है लगभग 2 महीने में, बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। फिर उसको छान के फिर हम उसमें यूज करते हैं प्लांट्स पे स्प्रे करने के लिए। स्प्रे करने से पानी में ये है कि जैसे 15 ml लिया 1 लीटर पानी में, उसको सब प्लांट्स पे स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इसमें कोई पेस्ट लगने का डर भी नहीं रहता है, और प्लांट्स लीव्स अब शाइन करते हैं। ठीक है, और रूट्स में जब हम इसमें जाते हैं स्प्रे, रूट्स में भी करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब ब्रेक डाउन हो जाते हैं और प्लांट अच्छे से अब्सॉर्व कर पाता है, ठीक है, और उसके लीव्स, स्टेम, सारा सब कुछ, तो हेल्दी प्लांट्स रहते हैं। ठीक है, और मुझे लग रहा है यहाँ पर ये आपने फर्टिलाइजर तैयार किया हुआ है ना? ये लिक्विड डिकम्पोजर है। ठीक है, तो इसमें सब प्लांट्स में हम मिक्स करते हैं, जिंक रहता है, सब चीज का, मस्टर्ड केक है, नीम खली है, सारी चीजें हम इसमें, काउडंग है, एजिड काउडंग, हमेशा एजिड काउडंग यूज करते हैं, रॉ काउडंग यूज करने से फंगस लगता है, तो इन सब में इसमें डाल के कॉपर का एक पीस डाल दिया, ये सब डाल के इसको बंद करके रख दिया है। कितने दिनों के लिए ये चलता है? स्टार्टिंग इसमें बनाते हैं हम, उसके बाद उसमें पानी ऐड करते रहते हैं। ये मेरा टेरेस गार्डन है, ये एकदम टॉप फ्लोर पे है ये, और इसमें कई तरह के प्लांट्स हैं, इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मेनली फ्लावरिंग ही है क्योंकि यहाँ धूप दिन भर रहती है, तो कुछ फ्रूटिंग प्लांट्स भी हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, कुछ जेड भी मैंने जैसे कटिंग लगा के रखा है, बोनसाई बनाने को सोच रही हूँ। तो इस तरह से है, यहाँ पे धूप रहती है, मतलब चिड़िया बहुत आती है, बटरफ्लाईज, पॉलिनेटर्स अच्छा खासा आते हैं, बंदर भी, हाँ बंदर भी आते हैं, लेकिन बस वही थोड़ा बहुत नुकसान भी किया है, लेकिन अब गार्डनिंग तो करनी ही है। अब ये वो चीज़ें हैं मैम कि कहते हैं ना, गार्डनिंग को सिर्फ पौधे पूरा नहीं करते, ये जो चीज़ें आपने बताई ना कि बटरफ्लाईज आ रहे हैं, बर्ड्स आ रहे हैं, ये चीज़ें असली उसको पूरा कर देते हैं, तभी वो गार्डन जैसा फील होता है। नेस्ट भी हैं, बहुत सारे रहते हैं, एनी टाइम मतलब आ जाए तो, मतलब चिड़िया खुद आने पर आवाज़ करती हैं कि मतलब कि आ गए डिस्टर्ब करने जब मैं आती हूँ, तो अच्छा लगता है इस तरह से गार्डनिंग करके, बहुत सुकून मिलता है। हम मानते हैं कि हाँ ऑर्गेनिक, वैसे लोग सोचते होंगे कि मतलब क्या फ़ायदा है, केमिकल्स यूज़ करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में सच में मानना पड़ेगा कि हाँ ऑर्गेनिक बहुत ईजी है और सब चीज़ नेचुरल मिल जाती है, ईजिली मिल जाती है, सस्ता तो, है, पावरफुल है, हाँ सस्ता है, और सब लोगों को मतलब अब सोचना चाहिए कि अब यूज़ करना चाहिए कि इससे अच्छा कुछ नहीं है। एक चीज़ और है जो आलिया जी, मैं इस गार्डन में जो खास चीज़ देख रही हूँ कि इतने सारे प्लांट्स के बाद में भी जो आपने ये जो वॉकिंग डिस्टेंस बनाया है कि आप इजीली चल सकते हैं, टहल सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा आपने इनिशिएट लिया है। और एक चीज़ और है, क्या ये छत सिर्फ इतनी बड़ी थी या आपको बढ़ानी पड़ी अपने प्लांट्स के लिए, ऐसा कुछ हुआ? बढ़ाने के उसी के शौक से मैंने कहा कि वो किया है कि बढ़ा दिया है कि इस तरफ से और प्लांट्स आ जाएंगे। थोड़ा सी प्रॉब्लम है, लोहे का ग्रिल तो है, जंग लग सकता है, वो अभी मुझे उसको फिर बहुत सही करना पड़ेगा, तो अगर पेंटिंग वेंटिंग होती है घर का तो बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको हटा के फिर दोबारा उसको ऐसे ही कर लेंगे। अब हो गए अराउंड 7-8 ईयर्स अभी उसको काम वाम करवाना है, तो फिर इसको दोबारा करेंगे, अब लगाएंगे, आदमी साथ में मिलके करेंगे। ठीक है, शौक है, अब शौक को ये बहुत अच्छे से, जैसे अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बहुत छोटा सा स्पेस है, इस स्पेस में 100 के अराउंड मुझे ऐसा लगता है कि रखे होंगे प्लांट्स, और बीच में काफ़ी अच्छा आपने स्पेस दे दिया, आर्टिफिशियल ग्रास आपने यहाँ नीचे बिछा दी, तो जिसकी वजह से ये बहुत सुंदर लग रहा है। और ऐसी क्या चीज़ है मैम जिसकी वजह से स्पेस को मैनेज किया जा सकता है? अब जैसे हैंगिंग बास्केट्स लगा दिए, अब इसमें फ्लावर्स हैं, फुल सनलाइट मिल रही है, तो ये भी स्पेस, वॉकिंग स्पेस में भी प्लांट्स कुछ हो गए कि ऊपर से हैंग कर दिया। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है कि लैडर लगा के इसमें पानी डालना पड़ता है, लेकिन अच्छे लगते हैं, अगर फ्लावरिंग होती है अच्छा, स्पेस मैनेज हो गया अच्छे से, मतलब यूटिलाइज कर लिया हमने। ठीक है, अब मैं पीछे भी एक बहुत बड़ा सा फ्रूट देख रही हूँ, पहले ये देख लेते हैं मैम कि ये क्या है? ये चकोतरा है, ये गमले में 12 इंच के गमले में इसको ग्रो किया है, ये अराउंड 4-5 साल का प्लांट है ये। अब इसमें बंदर भी आते हैं, तोड़ ले जाते हैं, लेकिन एक को बचा ले गए हम।
आपने मुझे अपने प्लांट्स की संख्या तो नहीं बताई, लेकिन हजारों से ऊपर मुझे ये लग रहे हैं, आराम से होंगे, तो मैं ज़रूर ये जानना चाहती हूँ कि कितना वक्त देते हैं आप गार्डनिंग को। मैं कम से कम 4 से 5 घंटा मतलब डेली रहता ही रहता है, और एक दिन तो ऑफ लेती हूँ। ठीक है, तो इतने सारे प्लांट्स को मैनेज कैसे कर लेती हैं आप अकेले? थोड़ा सा मैं तो थोड़ा हाउस हेल्प भी हैं और पार्ट टाइम गार्डनर है 2-3 घंटे के लिए, तो वाटरिंग वगैरह गार्डनर से करवाती हूँ, बाकी सब हम हेल्प लेती हूँ जो कम से कम। क्योंकि ये क्या है कि घर का कोई हिस्सा आपने नहीं छोड़ा जहाँ पर प्लांट्स ना हो, तो जैसे क्या होता है कि वीकली स्प्रे करना है या कोई भी, क्या ऐसा कोई शेड्यूल आपने तय कर लिया है कि मैं इस दिन ऐसे ऐसे करूँगी, कुछ ऐसा है? जी, मैं तो जैसे फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ मेरा रहता है कि बायो एंजाइम स्प्रे करने के लिए सारे प्लांट्स पे, फ्रॉम ए टू जेड सब पे स्प्रे करते हैं। ये घर ही पे बायो एंजाइम बनाती हूँ, सिट्रस बायो एंजाइम, और एवरी 16th और 17th ऑफ एवरी मंथ मैं कोई भी मतलब पेस्टिसाइड जैसे वो वाला ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, थोड़ा सा मतलब पौधे पे हो ना हो मतलब हमें दिखते तो नहीं है, लेकिन बहुत हल्का बहुत लाइट स्प्रे सारे प्लांट्स पे करते हैं, तो सेफ रहते हैं, डर नहीं बना रहता है कि कुछ पेस्ट अटैक हो सकता है। कोई बिगनर है जो गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहता है, तो उसे कौन से ऐसे हार्डी प्लांट्स के साथ शुरुआत करनी चाहिए? जेड है, सिंगोनियम है, स्नेक प्लांट है, ये सब बहुत ईजी प्लांट्स है, ये तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, कोई केयर नहीं होती है, लेकिन ये है कि इसमें हम हर प्लांट में हम गुड़ाई करें और देखें पेस्ट रोज़ चेकिंग करते रहें प्लांट्स को, तो बहुत अच्छा है, तो कोई डर नहीं रहता है। थोड़ा डर तो लगता है लोगों को स्टार्टिंग में कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैंने भी जब स्टार्ट किया था गार्डनिंग तो मैंने भी प्लांट्स मतलब एक बहुत से खोए भी हैं प्लांट्स मैंने, लेकिन फिर उससे सीखते भी हो, जब तक हम कुछ प्लांट्स किल नहीं करते हैं, मतलब इंग्लिश में एक सेइंग भी है, तो जब तक मारते नहीं है प्लांट्स को जब तक सीखते नहीं है, तो उसके बाद हम अपना जो गलती कर रहे हैं फिर दोबारा रिपीट नहीं करते हैं उस गलती को। ठीक है, एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ कि लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपनी 15 मिनट भी किसी को देना, आप अपने दिन के 4 से 5 घंटे गार्डनिंग को देती हैं, ऐसी क्या चीज़ है गार्डनिंग जो आलिया जी को देता है? मुझे एकदम मेंटल पीस, और मैं अपना फिट रहती हूँ, बिकॉज आई हैव सम हेल्थ इश्यूज ऑल्सो, बट अब जाके मतलब मैं अपना एकदम बिजी हो जाती हूँ, पता भी नहीं चलता कि कब कितना टाइम हुआ क्या हुआ, कभी कभी खाना खाना भी भूल जाते हैं जब लगे रहते हैं, तो मतलब ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है ऑर्गेनिक कर रही हूँ मैं, एंड आई वुड लाइक एवरीवन टू इंडल्ज इन ऑर्गेनिक गार्डनिंग। तो दोस्तों ये था आलिया वसीम जी का गार्डन, जहाँ पर हमने गार्डन के 7 पोर्शन देखे, बहुत ही खूबसूरत गार्डन था, बहुत अच्छी जानकारी दी, और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आगे इसी सीरीज में हम आलिया जी से जानने वाले हैं कि मोगरा प्लांट कैसे ग्रो किया जा सकता है, कैसे मधु प्लांट जो है ग्रो किया जा सकता है, कैसे उनकी देख रेख करनी चाहिए, तो डिटेल में आगे भी वीडियो आने वाली है, और उनको भी वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।